जातिवादी शिक्षक शेर सिंग का जातिवादा नाटक दलित पाहिजे दलित पाहिजे दलित पाहिजे दलित पाहिजे। स्कूल के मटके में से पानी पिया तो उसके टीचर ने उसको इतना मारा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। एक मटके का पानी एक गिलास के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में 14 तला का सत्याग्रह करके हमें पानी दिया, आज फिर दोबारा वही लोग पानी रुका कर हमको एक अलग तरीके से देखने का काम कर रहे हैं। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जिस तरह से उस मुस्लिम महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके आरोपियों को निर्दोष छोड़ा गया, ये सबसे बड़ा घटना है। इसका हम सामने थोड़ा छपरे सामने राजस्थान और यूपी में जो स्कूल में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, एक राजस्थान का लड़का सिर्फ पानी पीने के लिए उसने स्कूल के मटके में से पानी पिया तो उसके टीचर ने उसको इतना मारा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। वही यूपी में स्कूल का एक तीसरी या चौथी क्लास का पढ़ने वाला बच्चा, उसके महज 250 रुपया स्कूल का फीस बाकी था, इसके लिए उसके टीचर ने इतना उसको मारा है कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। कहीं तो कहीं ना कहीं इस देश में फिर से मनुवाद का जो साम्राज्य फैल रहा है उसके खिलाफ हम लोग हैं। ये जो मनुवादी शक्तियाँ हैं, जो जाति भेद करने वाले लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सब मुमरा के दलित समाज के संगठन के लोग, हर पार्टी के लोग एकजुट आकर हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, निषेध दर्शा रहे हैं। आदरणीय रामदास जी आठवले साहब ने जाके वहाँ उस घर को भेंट दी है, पार्टी की तरफ से 3 लाख रुपया एक छोटी सी भेंट करके दी है। मगर आप देखा जाए तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और एक तरफ कहते हैं कि हर घर झंडा लगाओ, अमृत महोत्सव बनाओ, मगर उसी देश में आज भी अगर दलितों के बच्चों की हत्याकांड होती है तो इससे बड़ा निषेध इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जातिवाद ख़त्म हुआ है, जातिवाद फिर से ये लोगों में आज भी वापस दोहरा रहा है। मटके का पानी एक गिलास के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में 14 तला का सत्याग्रह करके हमें पानी दिया, आज फिर दोबारा वही लोग पानी रुका कर हमको एक अलग तरीके से देखने का काम कर रहे हैं। मैं सभी संगठन की तरफ से, आरपीआई की तरफ से, मैं ऐसी गवर्नमेंट से करता हूँ कि वो सरकार तो बरकस होना चाहिए। मोदी जी आप एक जगह एक क्या कर रहे हो, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो और उस देश में अगर 75वां अपना देश का दिन मनाया जा रहा है और उसी दिन अगर उसी साल में उसी दो दिन में अगर दलित समाज दलित बच्चों की अगर हत्या होने लगी तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं है। इसलिए हम इसका निषेध करते हैं।